बिलखती आंखों से माँ को दी मुखाग्नि। न गांव वाले आए न रिश्तेदार, सबने कर लिया किनारा। सिवनी, 8 मार्च को जहां पूरा देश महिला दिवस मना रहा था, ठीक उसके दूसरे दिन एक बेसहारा महिला आखिरी सांस तक लोगों के सहारे का इंतजार करते हुए हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। मामला परघाट थाना क्षेत्र के खुर्सीपार गांव का है। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना उसका गला कौंध गया और आंखों से आंसू छलक आए। असल में 9 मार्च को जिला अस्पताल में खुर्सीपार में रहने वाली फूलवती उइके पति भादु उइके को लीवर में गठान एवं पीलिया व पैरों में सूजन आने के कारण उसकी नाबालिग पुत्री ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अपनी मां के निधन के बाद नाबालिग लड़की बेसुध हो गई और वह अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए परेशान होते रहे, लेकिन कोई एक ना आया। तब नेकी की राह संगठन ने नौजवानों ने इंसानियत का धर्म निभाते हुए महिला का धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। महिला को मुखाग्नि देने जब उसका बेटा भी नहीं आया, तब उसकी नाबालिग बेटी ने अपनी मां को बिलखती आंखों से मुखाग्नि दी, जो ग्रामीणों व क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है। MPCG24 न्यूज एक्सप्रेस सिवनी से मुबीन कुरैसी की रिपोर्ट। मम्मी के पहले शादी के 3 बच्चे थे और फिर पापा ख़त्म हो गए पहले वाले, तो फिर मम्मी ने दूसरी शादी करी और दूसरी शादी करने के बाद उनकी मैं एक अकेली लड़की हूँ। और उसके बाद जो मेरे दूसरे पापा थे उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की, ये सब मुझे मेरी मम्मी ने बताई, मेरे को तो क्या पता जब मैं छोटी थी। और उसके बाद फिर मम्मी अलग रहने लगी, पापा को बोली कि मैं नहीं रहती तुम्हारे साथ, अलग रहूँगी, इसलिए अलग रहने लगी। और फिर मम्मी ने मुझे अकेली पाला पोसा है, हम दोनों माँ बेटी रहते थे। मेरा भाई भी आ गया अपने गाँव और दूसरी शादी कर ली उसने, और मेरी बहनों की भी शादी हुई थी तो उनकी भी डेट हो गई, और मेरे भाई ने दूसरी शादी करा तो अपने मन से करा, ना मम्मी को पूछा ना किसी को पूछा, सिर्फ गाँव वालों से मन से शादी करा उसने। और यहाँ पर हम लोग आते भी थे तो अजीब बर्ताव था उनका, ढंग से बर्ताव नहीं था हमारे साथ। और मम्मी को जिस दिन आखिरी दिन 21 तारीख को जिस दिन हॉस्पिटल ला रहे थे मम्मी को, तो मम्मी को हॉस्पिटल ला रहे थे तो वो बहुत ही अजीब बर्ताव करा मम्मी के साथ, तू ही जा अकेली मैं नहीं आता, ऐसा वैसा कह के। इसलिए मम्मी ने जब से ही सोच ली थी, और मम्मी ने मुझे खुद होके बोली कि अब तू ही मेरी अकेली लड़की है, और मैं अगर ख़त्म भी हो गई तो तू ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगी, ना किसी को हाथ लगाने देंगी ना कुछ, और मेरा कोई लड़का भी नहीं है ना कोई है, और मैं बस तू और मैं हूँ, माँ बेटी और माँ बेटी रहेंगे। और तू अगर हॉस्पिटल भी मेरे को लेके जा रही है तो वहाँ पर भी यही बताना कि माँ बेटी थे और माँ बेटी रहेंगे। अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है तो तू अनाथ में भी रह सकती है या फिर तेरे को कोई गोद भी ले सकता है, बोले, लेकिन तू अपनी ज़िंदगी सुधार लेना, बोले, और मेरे मरने के बाद लेकिन उस घर पे दोबारा पाँव मत देना, बोले, और ना ही तेरे दूसरे पापा को कभी मिलना, बोले, बस और कुछ नहीं।